नमस्कार, मेरा नाम हरविंदर सिंह करेवाल है। आई एम ओनर ऑफ करेवाल पेट शॉप एंड फार्म। हाय फ्रेंड्स, ओ फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि लूज मोशन, जो अक्सर हमें एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि लूज मोशन है क्या। उसमें लूज मोशन मोस्टली पेट में इन्फेक्शन, ओवर फीडिंग या कुछ ऐसा गलत खा लेना डॉग ने, जो उसके लिए अंदर जाकर इन्फेक्शन करता है या उसके लिए ठीक नहीं है। मोस्टली लूज मोशन है क्या रीज़न? हम अगर डॉग का स्टूल थोड़ा सा भी लूज आता है या पतला आता है तो हम बोलते हैं कि लूज मोशन है। नो, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर हमारा डॉग एक घंटे या दो घंटे के अंतराल बिटवीन दैट अगर वो दो तीन चार पांच बार पोटी करता है तब वो लूज मोशन है। लिक्विड फॉर्म में आएगी, पानी की तरह आएगी, येलो कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर इज़ वेरी डेंजरस, भगवान ना करे किसी डॉग को वो आए, या पानी टाइप आएगी। अगर वो दो घंटे के अंदर पांच या छः बार पोटी करता है तब हम उसको लूज मोशन कह सकते हैं। अगर वो वैसे ही अगर नॉर्मल रूटीन डॉग दिन में तीन बार या चार बार पोटी करता है तो वो लूज मोशन नहीं है, वो खाली लूज स्टूल आएगा। वो उसका रीज़न ये होता है कि डॉग गर्मियों में लिक्विड डाइट, लिक्विड पानी हो गया, उसमें खाने के अंदर दही लस्सी चाय हम भिगो कर देते हैं, वो कभी उसके कारण भी गर्मियों में उसका पोटी का स्टूल थोड़ा सा लूज आता है, बट दैट इज नॉट मीनिंग लूज मोशन है उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉग जो पप्पी छोटा होता है वो जितनी बार आप उसको खाना दोगे, जितनी बार उतनी बार लगभग पोटी जाएगा। वो दिन में चार बार हो या पांच बार हो तब घबराइए ना, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, वो नॉर्मल रूटीन है उसकी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर एक घंटे दो घंटे तीन घंटे के अंदर पांच छह बार पोटी की या पूरे दिन में दस बार पोटी की तो वो लूज मोशन कहलाते हैं। कभी कभी जब हम डिवॉर्मिंग करते हैं तो कभी थोड़ा सा सॉल्ट हमें गलती के कारण हमसे ज़्यादा दिया जाता है डॉग को, तब भी वो थोड़ा लूज स्टूल में पोटी करेगा, तब भी घबराइए ना, क्योंकि डिवॉर्मर अपना काम कर रहा होगा। कभी कभी तो प्रॉपर सॉल्ट देने पर भी डॉग थोड़ा सा सुस्त हो जाता है या पोटी लूज करना शुरू कर देता है, तो भी जस्ट रिलैक्स, डोंट पैनिक। और उसके बाद जब मोस्टली प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम कोई फीड चेंज करते हैं, नई कंपनी की फीड या सारा लैक्स से डॉग को फीड पर ट्रांसफर करते हैं, तब भी डॉग थोड़ी सी पोटी थोड़े दिन पहले लूज टूल में करेगा, तब भी आप घबराइए ना। बट प्लीज ओनली पैनिक जब डॉग दो घंटे में पांच या छह बार पोटी कर दे या पूरे दिन में दस बार कर दे। तो उसके लिए वैसे तो हर पेट शॉप से आपको उसके दवाई मिल जाएगी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ मेरे पास दो कंपनी की काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इनका। एक तो है मेगा स्टॉप, इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, और एक है मैनकाइंड का। ये दोनों आप देख सकते हो, इसका रिजल्ट काफी अच्छा है और ये आपको आसानी से हर एक मेडिकल स्टोर, पेट शॉप पर या फिर मेडिकल स्टोर हो जो फीड सप्लीमेंट डॉग का रखता हो वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर कोई नाइट का टाइम है या कुछ मेरे फ्रेंड्स थोड़े सिटी से दूर रहते हैं वहाँ पर अगर ये चीज़ ना मिलती हो तो एक इंसानों के बच्चों की दवाई है पावर जेल। यस, पावर जेल इंसानों के बच्चों की दवाई है। वो आप एक या दो ml अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट या एज के हिसाब से डॉग को दे सकते हो, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ये आप हमेशा अपने घर में स्टोर कर रख सकते हो पावर जेल। इन मैं अगर आपको ये नहीं मिलती तो पावर जेल आपके लिए डॉग का एक लाइफ गार्ड की तरह काम करेगा। अगर ये मिलती है डॉग की स्पेशल दवाई तब तो नो डाउट आप ये ही लीजिए, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो तो मैं एक बार फिर नाम बोल रहा हूँ, पावर जेल इंसानों ह्यूमन के बच्चों की दवाई है। वो डॉग के लूज मोशन को बहुत बेहतर तरीके से लगभग इसी दवाइयों की तरह वो स्टॉप कर देगी। बस आपको दो, एक या दो ml, अगर डॉग थोड़ा बड़ा है तो तीन ml देना है। अगर डॉग एक डोज देने के बाद फिर भी डॉग का लूज मोशन स्टॉप नहीं होता तो आप एक दो घंटे के बाद उस डोज को डबल कर दे सकते हो। मान लीजिए पहले आपने 2 ml दिया तब भी वो लूज मोशन नहीं रुका उसका, तो दो घंटे के बाद आप 4 ml उसको दे सकते हो, आपको रिजल्ट मिलेगा, प्रॉमिस। लेकिन भगवान ना करे फिर भी अगर नहीं रिजल्ट मिलता तो प्लीज जो भी आपके नियर बाय डॉक्टर है वहां डॉग को लेकर जाइए।
और जब भी ऐसा सिचुएशन आए, डॉग को लूज मोशन हो, तो डॉग को पानी, आप उसको दही लस्सी लिक्विड डाइट कंटिन्यूस देते रहिए ताकि उसकी बॉडी में से कहीं पानी कम ना हो जाए। ये ORX का घोल है, ये इंसानों के, जैसे भगवान ना करे इंसानों के बच्चों को कभी कभी दस्त लग जाते हैं, वहां तो दिया जाता है, लेकिन ये डॉग पर भी हम यूज कर सकते हैं। जब सिचुएशन ऐसी हो, जब लगे किसी बॉडी से कहीं पानी ना खत्म हो जाए, डॉग ज्यादा सुस्त ना हो जाए, वो ज्यादा उसकी सिचुएशन और वॉर्स ज्यादा खराब ना हो जाए, तब आप डॉग को ये कंटिन्यूस पिलाते रहिए, हर आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट लिक्विड उसको जरूर देना है। जब सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए कि उसको लूज मोशन लगे, तो लिक्विड माय फ्रेंड्स जरूर जरूर देना है। लिक्विड में आप डॉग को दही लस्सी पानी ORX का घोल जैसे मैंने आपको दिखाया, एंड उसके बाद अलावा आप चावल का पानी, दाल का पानी जिसमें नमक मिर्च मसाला ना हो, जो भी डॉग उस समय जो भी डॉग लिक्विड में लेगा, खाना खाएगा ड्रिंक करेगा, वो दीजिए उसको, कहीं पानी ना कम हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रे टू गॉड कि ऐसी सिचुएशन कभी आए ना। जो मैंने आपको थोड़ा सा ये दवाई बताई है या पावर जल के बारे में बताया है, लगभग 90% तो प्रॉब्लम आपकी से सॉल्व हो ही जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा वर्स होती है तो मान लीजिए रात को ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो हमें सुबह तक डॉक्टर का वेट करना होता है, या सैटरडे संडे ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, संडे डॉक्टर ना हो, तब उसको लिक्विड डाइट कंटिन्यूस देना है। लिक्विड डाइट में आप कुछ भी दे सकते हो जिससे बस डॉग का बॉडी का पानी ना कम हो। प्लीज़ माई फ्रेंड इन बातों का जरूर ध्यान रखिए, ये आपका डॉग ही आपके लिए सब कुछ है। मैनी 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 थैंक्स फ्रेंड्स फॉर योर लव, फॉर योर कमेंट, फॉर योर सजेशन, फॉर योर एडवाइस, एवरीथिंग, थैंक यू वेरी मच। आप जो भी आपके मन में हो, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ यू कैन टेल मी, अगर आप अप्रिशिएट करना चाहो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू। आप मुझे कभी भी ऐसा मत समझिए, आई एम जस्ट हेयर फॉर ए कंसल्टेंट, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपको सिर्फ कंसल्ट कर सकता हूँ, दिस माई ड्यूटी। आप कभी भी मुझे ज़्यादा थैंक यू मत कहना, इट्स माई ड्यूटी एंड मैं उसको बहुत लाइटली दे ही लेता हूँ। तो माई फ्रेंड्स मेरी वेबसाइट है, जैसे आप सब जानते हैं, आपको लगभग हर एक प्रोडक्ट अपने डॉग के रिगार्डिंग वहाँ मेरी वेबसाइट पर, उसका सामान फीड हो, सप्लीमेंट हो, जो भी हो, टॉयस हो, उसका मौसम के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपके घर में होम डिलीवरी हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी आप रहते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो दूसरा एक मेरा भैया ब्रदर्स ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, बोला शोला ऐप, उसको भी डाउनलोड कीजिए। माई फ्रेंड्स अभी भी आप लगभग वही क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो है। अगर आप एक बार वो प्रॉब्लम वीडियो वॉच कर लोगे तो आपके डॉग की प्रॉब्लम है जो भी है वो आप पैनिक नहीं होगे। मेन प्रॉब्लम डॉग्स की प्रॉब्लम है बग बिग कब लगती है, जब हम पैनिक होते हैं, इवन वो हमारे लाइफ के रिलेटेड हो और इवन डॉग्स के रिलेटेड हो। तो प्लीज माई फ्रेंड आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिए, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका डॉग खाना नहीं खाता, लूज मोशन के रिगार्डिंग, बीमारी के रिगार्डिंग, एवरीथिंग, बाल झड़ने के रिगार्डिंग, सब कुछ का, सब कुछ सब पे ऊपर मेरा वीडियो है। अगर आप एक बार वो वॉच कर लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं अपने डॉग को क्या अभी इस समय क्या फर्स्ट एड या मैं कैसे उसको हैंडल कर सकता हूँ। तो प्लीज माई फ्रेंड डोंट पैनिक, कीप लव योर फैमिली, कीप लव योर डॉग, बिकॉज योर डॉग इज एवरीथिंग। जैसे कि आपके डॉग के लिए आप सब कुछ हो, वैसे ही आप भी उसके लिए। तो प्लीज माई फ्रेंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।